सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? फॉर्म्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई की तरफ से रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट डिटेल क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो यहाँ पर बात करते हैं हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जहाँ पर 10th पास के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है अप्रेंटिस पदों के लिए, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल दिया है, जहाँ पर बहुत कम ही योग्यता के साथ में आप ट्रेनिंग भी पा सकते हैं और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो एक बार देखिए और चेकआउट कीजिए। बात करते हैं CSPTU की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद निकाले गए हैं, यहाँ पर आपके डिटेल्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत में, जहाँ रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ में BE/BTECH या ME/NTECH होना चाहिए, जो फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ में होना चाहिए, और इसके साथ में आपके PhD होना कंपलसरी है, और इसके साथ में आपके एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ 3 पोस्ट है, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के अंतर्गत में BE/BTECH और ME/MTECH होना चाहिए अच्छे मार्क्स के साथ में, और इसके साथ में आपके PhD और एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 पद दिए गए हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पद निकाले गए हैं, जहाँ BE/BTECH होना चाहिए और उसके साथ में PG degree होना चाहिए अच्छे मार्क्स के साथ में, और इसके साथ में भी आपके PhD होने चाहिए, रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 पोस्ट हैं, जहाँ पर डिपार्टमेंट आपके हैं एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, यहाँ पर BE/BTECH और ME/MTECH होना चाहिए अच्छे मार्क्स के साथ में, और उसके साथ में PhD होना चाहिए, और इसके साथ में आपके रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ पर भी 3 पोस्ट हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट आपके हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जहाँ पर BE/BTECH के साथ में ME/MTECH होना चाहिए, मतलब UG और PG दोनों होना चाहिए, जो अच्छे मार्क्स के साथ में होना चाहिए फर्स्ट क्लास, इसके साथ में PhD होना चाहिए और साथ में रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट है आपके अर्बन प्लानिंग, जहाँ पर 3 पोस्ट दिए गए हैं, यहाँ पर BE होनी चाहिए सिविल या BE Plan के अंतर्गत में होना चाहिए, इसके साथ में फर्स्ट क्लास के साथ में ये पास आउट होना चाहिए, इसके साथ में होना चाहिए आपके PhD और रिलेवेंट फील्ड में आपके एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट देखते हैं नीचे में, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 60 वर्ष तक रखी गई है, और इसके बाद में आपके यहाँ पर पेमेंट होने वाले हैं पर मंथ 62,547 रुपये। तो सिलेक्शन आपके यहाँ पर बेस्ड होने वाले हैं आपके ऑब्टेन मार्क्स के आधार पर और आपके एक्सपीरियंसेस के आधार पर, इसके आधार पर आपके सिलेक्शन किए जाने वाले हैं। देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, जहाँ पर जनरल और OBC को 3,000 रुपये का DD देना होगा, और उसके साथ में ST और SC जो होंगे उनको 1,000 रुपये का DD बनाकर देना होगा। इसके बाद बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप जब नीचे की तरफ यहाँ नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड नोटिस और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें, नीचे में जो एड्रेस दिखाई दे रहा है फॉर्म को आप इस एड्रेस पर भेज दें। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके खुद से अच्छे से चेकआउट करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, तभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलेंगे।